भारतीय शिक्षा आयोग, अब एनसीटी जो है खत्म होने जा रहा है, ये नया आयोग जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड करेगा, बीएड ही रहेगा, और यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग बनने जा रहा है, वो फरवरी जनवरी में काम शुरू कर देगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। अरे भैया नमस्ते। अरे हाँ नमस्कार। भैया, हम थोड़ा जानकारी ये चाहते हैं, जो आप बता रहे थे 2011 वाले बीएटीईटी वाले, तो उसमें कब तक है उम्मीद कुछ? आपने बीएड किया है? हाँ, अरे 2011 टीईटी पास हूँ, जो है 72 वाले में था, 111 नंबर था मेरा, जो है तो वही अब यूट्यूब में आपको देखता रहा, तो वही है, मैंने कहा कि ये कब तक संभव है। तो 2011 में जो भर्ती आई थी 72,000, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाया और उस कट ऑफ पर भर्ती करा के वो भर्ती तो बंद हो गई। अब उसमें तो कुछ नहीं होना है पुरानी भर्ती में। और 2012 वाला तो विज्ञापन अवैध था, उसका पैसा वापसी के लिए कोर्ट ने कहा था और फॉर्म भरवा लिया गया है। 31 मार्च 2024 से पहले सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कुछ लोगों को वापस कर भी दिया गया। अच्छा, तो पुराने मैटर तो खत्म हो गए हैं और अब जो नया जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखिए। उसमें जो कुछ हो रहा है उसमें आपको कैसे नियुक्ति मिलेगी, क्या करना होगा, उसकी जानकारी रखिए। आपको एक जानकारी तो होगी कि जो है 2011 का जब आप टेट दिए थे तो बीएड वाले उस समय लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर नहीं लिए जा रहे थे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। फिर 2018 में एक गजट आया और उसके बाद फिर से लिए जाने लगे, और फिर जो है ये गजट अभी 11 अगस्त को राजस्थान का एक विवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये गजट रद्द कर दिया। तो जब तक गजट नया नहीं आ जाता है तब तक तो बीएड वाले जो है लिए ही नहीं जा सकते हैं। नहीं तो ये जो रद्द हुआ है, ये तो 17-18 के बाद का रद्द हुआ है ना, तो 11 वाले चाहें तो सरकार कर सकती है ना उसको। आपने पढ़ाई किया है या सिर्फ डिग्री लिए हैं? नहीं, अरे वो तो ठीक है, जैसा आप अब समझे, आपने लेकिन आपने अभी कहा कि सरकार 11 वाला कर सकती है, कैसे कर सकती है जब वो भर्ती ही जो है जो आई थी वो भर्ती हो चुकी और बंद हो गई, तो फिर कैसे कर देगी? हाँ, नहीं, वो तो है, लेकिन ये 17-18 के बाद रद्द हुआ है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। भाई साहब शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, यानी कि मार्गदर्शन करने आए हैं, लोगों को ज्ञान देने आए हैं, और अगर आपका ये हाल रहेगा कि आप खुद ही हर चीज़ को नहीं समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? नहीं तो ठीक है, पूरी जानकारी हमको नहीं है अब उतना, हाँ, जो तो है इसीलिए तो जो बताया जा रहा है तो फिर उसको समझिए ना। आपको नहीं जानकारी है और आप जो है हमारे पास फ़ोन किए हैं, हम बता रहे हैं, तो उसको समझिए ना। 2000 से लेकर के 2001 तक बीटीसी डीएड बंद था, तो बीएड को लिया जा रहा था विशेष बीटीसी से, और 2011 में टीटी जब पहली बार हुआ तो उसमें बीएड वालों को पहला और आखिरी मौका दिया गया, उसके बाद जो है बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं लिया जाना था। तो 2012 से बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए थे, उसका लिया ही नहीं जा रहा था। जो 2011 की भर्ती की आप बात कर रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा के बंद कर दिया, वो मैटर तो खत्म हो गया पुराना। तो पुराना जब कुछ है ही नहीं है तो फिर आप कहाँ से बात कर रहे हैं पुराने की, उसमें ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। पुराना मैटर तो खत्म हो गया, और फिर बीएड तो प्राइमरी में वैलिड था नहीं। 2018 में एनसीटी ने एक गजट जारी किया, उसके बाद से बीएड वाले लिए जा रहे थे, लेकिन अभी फिर वो गजट रद्द हो गया है। तो आपको तो तो लेटेस्ट जानकारी रखनी होगी, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, वो सब जब जानकारी रखेंगे तब ना आपको जो है समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प हैं। आप तो बस पीछे में अभी दिमाग लगा रहे हैं। नहीं तो जैसे आप बता रहे हैं, तो ये कब तक संभव है कि नया गजट जारी कर देगी सरकार? देखिए कोई भी चीज आपको करना है ये तो आप ही जानेंगे ना कि आप कब करने वाले हैं, कि कोई और बता सकता है? हाँ, नहीं, वहाँ सरकार की चीजें हैं तो वो सरकार ही जानती है एग्जैक्टली वो कब क्या करेगी, लेकिन जो न्यूज आ रहे होते हैं, जो सूचनाएं आ रही होती हैं किसी भी माध्यम से, तो उसके आधार पर जो चीजें चल रही हैं या जो जानकारी निकल के आ रही है तो अनुमान लगाया जाता है कि अब आगे
क्या चीज़ कब तक हो सकता है। तो अभी तो गजट रद्द है, तो नया गजट आना है, क्योंकि एनसीटी के पास लिमिटेड पावर हैं, तो इसलिए जो है अभी एनसीटी गजट नहीं जारी कर रही है, और एक नया आयोग आने जा रहा है। अभी हमने कल ही जो है पोस्ट भी डाला है, आज ग्रुप में भी डाले हैं, आपने शायद देखा नहीं है, HECI एनसीटी को ख़त्म करने जा रही सरकार, एनसीटी ख़त्म होने जा रहा है। अब एनसीटी, यूजीसी और AICTE जो भी इस तरह के हैं संस्थान, ये पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहे हैं। अब नया आयोग आने जा रहा है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अभी 4 तारीख, आज कितनी तारीख है, आज तो है शायद 2 दिसंबर। 2 तारीख है, 2 दिसंबर है, 4 दिसंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है। आपको है जानकारी, नहीं, ये जानकारी हमको नहीं। तो पर डे अखबार पढ़ा कीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ देखा कीजिए, चाहे वो न्यूज़ आपसे संबंधित हो या न हो, अपडेट रहेंगे तब तो समझ पाएंगे ना हर चीज़, जानेंगे तब तो। खैर, तो 4 दिसंबर से 23 दिसंबर तक संसद सत्र शुरू होने जा रहा है शीतकाल, तेईस और तक है? तेईस हाँ 4 से 23 तक चलेगा संसद सत्र। कितने बार चलता है वर्ष में? अरे 2 बार, हमको ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये हाँ दो तीन पॉलिटिक्स बार थोड़े, हम ये पॉलिटिक्स की बात थोड़ी हो रही है, ये तो जनरल नॉलेज की चीज़ है ना। हाँ तो अभी कुछ दिन पहले चला था, जो है अभी 1-2 महीने पहले, जो है 3-4 दिन चला था, जब वो महिला बिल एक विधेयक पास हुआ था तो शायद वो तो अभी। स्पेशल सत्र था। खैर चलिए, कोई हाँ बात नहीं, नहीं पता है तो जो संसद सत्र होता है वो वर्ष में 3 बार चलता है, विशेष जरूरत होने पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। अच्छा, तो अभी शीतकालीन सत्र जो है आरंभ हो रहा है 4 तारीख से, आज 2 तारीख है परसों से, तो 4 से 23 के बीच में एक नया बिल आने जा रहा है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनने जा रहा है। अब यही सब कुछ देखेगा, यही सब कुछ नियम कानून बनाएगा, यही सब कुछ करेगा। अभी तक एनसीटी था, यूजीसी था, AICTE था, अलग अलग थे, और ये पुराने हो गए, और इनका जो तरीका था काम करने का वो जो है वर्तमान समय में जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार नहीं कर पा रहे थे, विवाद हो रहे थे। तो अब नया आयोग बनने जा रहा है, वो ये बन जाएगा, बिल पास हो जाएगा, अब नया कानून ये बनाएगा, तो नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार ये हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि सिर्फ डिग्री रहेगा, डिप्लोमा सारे बंद होंगे, तो डिग्री में बीएड है, सिर्फ बीएड रहेगा, 4 वर्ष वाला बीएड, 2 वर्ष वाला बीएड और 1 वर्ष वाला बीएड, और जितने भी डीएलएड हैं, डीएड हैं, या इस तरह के जो भी डिप्लोमा हैं, अब वो सब नहीं चलेंगे, वो सब उनमें एडमिशन नहीं होगा, बंद होगा, और जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 तक मौका रहेगा सरकारी नौकरी में। तो बीएड के लिए गजट आएगा, ये अब एनसीटी नहीं लाएगा, अब जो है ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, ये बिल अगर इस सत्र में पास हो जाता है तो यही सारा काम करेगा। अब तो बीएड का जो है नया गजट आ जाएगा, वैलिड हो जाएगा प्राइमरी में, इसके बाद जो है शुरू होगा। और आपको ये भी जानकारी होगा कि यूपी के अंदर भी एक आयोग बन रहा है, शिक्षक हाँ वो सेवा तो चयन आयोग, जानकारी, हाँ सेवा हाँ, चयन आयोग। तो ये हर राज्य में बनाया जा रहा है, यूपी में भी जो है कैबिनेट से पास हो गया था, उसके बाद जो है गठन नहीं हो पाया था, तो गठन की शुरुआत हो गई है, इधर 2-3 दिन 4 दिन से लगातार न्यूज आ रहे हैं, और अब गठन होने जा रहा है, जनवरी से ये आयोग कार्य करने लगेगा। तो नए वर्ष में जनवरी से ये आयोग काम करने लगेगा, यही करेगा भर्ती, और जो भी भर्तियां होंगी जो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं उनके तहत होंगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि इंटरव्यू और डेमो हर शिक्षक भर्ती में अनिवार्य रहेगा, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अगर नौकरी लेना है तो। भाई कल क्या नया नया नियम आएगा कोई नहीं जानता है, तो पुराना जो 72,000 है या 69,000 है या कोई भी पुरानी भर्ती है, अब वो सब मैटर खत्म हो चुके हैं, बस इंटरव्यू डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये नया आयोग जो बनने जा रहा है, चाहे यूपी वाला चाहे ये HECI, ये सब नए नए नियम लागू करेगा, तो इंटरव्यू डेमो हर हाल में होगा, ये मान करके चलिए, नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मान करके चलिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इतना सब हो रहा है, तो ये भी
इंटरव्यू डेमो भी अनिवार्य होगा। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जनवरी फरवरी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। नियुक्ति प्रक्रिया जब भी घोषणा हो जाए, विज्ञापन जब भी आ जाए, ठीक है, पुराना मैटर सब भूल जाइए, नया जो हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो जो होगा तो वो ये जो सत्र चल रहा है 23 दिसंबर के बाद ही होगा, पहले तो कुछ होगा नहीं। देखिए, जो भी आयोग है, चाहे शिक्षक सेवा चयन आयोग या ये जो HECI है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ये शिक्षा विभाग से ही संबंधित हैं सब, तो ये अपना काम कर रहे हैं। इनका गठन होना है, बिल पास होना है, जो कुछ ये सब तो दिसंबर में जनवरी में ये तो अपना कर लेंगे, जो भी होना है इसी दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। तो इसके बाद जब भी घोषणा हो जाए तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, करना इन्हीं को है। जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है वही करेगा, और ये जो हायर एजुकेशन कमीशन बन रहा है यही सारे रेगुलेट करेगा सबको। तो मान कर चलिए कि आपके पास 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी, इसमें अपने आप को झोंक दीजिए एकदम, पढ़ाई में, इंटरव्यू डेमो की तैयारी में। 2 महीना पर डे मैथ लगाइए, पर डे GKGS तैयार कीजिए, इंग्लिश हिंदी संस्कृत पर डे पढ़िए थोड़ा थोड़ा, अगर नौकरी लेना है तो। अब पुराना जो भी कहीं कुछ कोई कहता है, BA TET 2011, 72,125, ये हो रहा है, वो हो रहा है, याची बनो, धरना करो, ये कराएंगे, वो कराएंगे, सब फर्जी बातें कोई हैं। इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो सब वही है अपना जो है उल्लू सीधा लोग कर लेते हैं, उसका कोई हाँ, वो मतलब सब नहीं। बताएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, हम लेकर रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर कहेंगे भैया पैसा दो, पैसा ही मांगते हैं। अच्छा ये जो अभी ये जो ये 12/91 मैटर चल रहा था, उसमें तो कुछ हुआ नहीं है? जो लड़के कह रहे थे 12/91 डे टेट लगी है, कुछ कुछ ऐसा होगा ही नहीं, अभी अभी हमने आपको बताया कि पुराना कुछ भी नहीं होगा, सब मैटर खत्म हो चुका है। ये सिर्फ चंदा चोर जो है क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका पड़ोसी है, ठीक है, अभी आप जा करके एक केस कर दीजिए पड़ोसी के ऊपर कि उसने हमको जो है मारा पीटा, गाली गलौज किया, या उनके ऊपर केस कर दीजिए कि हमारा वो जमीन कब्जा किया है, क्या आपका केस दर्ज होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ, कुछ ना कुछ जो है चलेगा, केस दर्ज ड्रामा होगा, बाजी। उसमें जो है तारीख लगेगी, बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, वो तो बाद में सामने आएगा ना कि केस सही है कि झूठा है, लेकिन पहले तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी ना। तो जब कार्रवाई शुरू हो गई तो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, देखो भैया मैंने इसके ऊपर केस किया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप अखबार वाले को जा करके बता दीजिए कि मैंने ये केस किया, ऐसा ऐसा है, इसको अखबार में छाप दो, ये लो पैसा। तो छाप देगा कि नहीं छाप देगा? अरे पैसा देंगे, उसका तो छाप भाई देगा। कोई तो ये लोग भी वही मतलब करते हैं, ये लोग भी झूठे केस डाल करके पैसा दे करके अखबार में छुपा दिए। तो केस डालने में मान लीजिए 5,000 रुपया खर्चा आया, और अखबार में छुपाने में मान लीजिए 1,000 रुपया खर्चा आया, तो 5,000 वो, 1,000 ये, 6,000, मान लीजिए 5 से 10,000 के बीच में खर्चा आया, 10,000 रुपया खर्चा करके हल्ला कर दिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है, हाँ याची बनो, ये करो। एक एक आदमी से मांगते कितना है, 2,000 3,000 रुपये मांगते हैं। अगर एक एक आदमी एक एक हजार भी दिया तो 10 लोग अगर दे दिए तो 10,000 तो उनका खर्चा तो निकल गया ना, लेकिन देते कितने लोग हैं, 12,091 है, 12,000 लोग हैं, 12,000 में से अगर 5,000 लोग भी एक एक हजार दे दिए तो कितना पैसा आया? तो गणित समझिए इनका, खेल समझिए इनका, यूट्यूब में देख रहे थे कि 29 तारीख लगी है, 29 नवंबर सब डेट सब लगी है झूठ उसकी। है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ये जो है 1,000 2,000 3,000 लूटने के चक्कर में। अब आप जो है, हम भी देखे हैं ग्रुप में यूट्यूब पर, 3,000 रुपये लिया गया सबको फोन कर करके, 3,000 किसी किसी 5,000, अरे तो वो कोई तीन मतलब हजार नहीं। अब आप कल्पना करके बताइए कि अगर आपको एक व्यक्ति 3,000 दे और ऐसे 12,000 लोग आकर के 3,000 आपको दें, 12,000 छोड़िए, सिर्फ आपको जो है 2,000 लोग 3,000 रुपये दे दें, कितना पैसा हो जाएगा? अरे बहुत होता है, कुल मिला के ये है कि ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि अब भाई चलो साहब, कहीं अगर जा... अगर जो है सिर्फ 2,000 लोग 3,000 रुपये भी दिए होंगे, 60 लाख रुपए आ गया, तो फर्जी केस करके 5 से 10 हजार खर्चा किए और 60 लाख रुपए आ गया, ऐसा कोई काम धंधा बिजनेस बताइए जहां पर कि 5-10 हजार लगा के 60 लाख रुपए आ जाए फटाक से।
हाँ तो अब ये सब आदमी थोड़े इस तरह कर पाता है, जो इस मतलब वही से लोग होते हैं, वही सब करते हैं, चीज उनको ही पता होता है, कोई मतलब नहीं है हाँ इसका। तो ये हराम का खाने वाले लोग हैं, हरामी लोग हैं, झूठ बोल करके पैसा लूटते हैं। और ये बताइए, आज तक जहाँ कहीं भी जिसने भी पैसा दिया, अगर उसका काम नहीं हुआ, क्या कभी किसी का पैसा वापस करते हैं ये लोग? नहीं असल में भैया हम भी ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, 2011 के बाद वही दो तीन बार जो लखनऊ लखनऊ गए थे, बाकी फिर हम इसी के चक्कर ही तो छोड़ दो दिए तीन थे बार हम बाहर। लखनऊ गए, कभी न कभी पैसा भी दिए होंगे? नहीं नहीं पैसा वैसा तो हमने कहीं नहीं किसी को दिए, दिए कभी नहीं नहीं, दिए? नहीं नहीं कोई नहीं, ना हमने एक रुपया दिए ना, तब तो आप बड़े अच्छे हैं कि आप कहीं पैसा नहीं दिए। खैर चलिए, अच्छी बात है। पैसा दिए ना, ज्यादा नेता नगरी के चक्कर में पड़े। ये है कि जो है चले गए थे दो एक बार, चलिए आप शुरू शुरू में समझदार हैं, तो गए तो आपको क्या मिला जाने से वहां? देखा 2-4-500 खर्चा हो गया जो है लखनऊ, तो टहल के लौट गया चूंकि शरीर से गया, और क्या हुआ वहाँ अच्छा यही गए हुआ। होंगे वहां, तो कम से कम कोई एक गिलास पानी पिलाया होगा वहां पर आपको, पूछा कोई पानी? अरे कुछ नहीं पानी क्या, एक बार गए थे तो जो है जब सपा गवर्नमेंट में तो सब जो है नल वाल बंद करा दिए थे, सपा गवर्नमेंट तो वही बीजेपी वाले कार्यालय में खोल दिए थे, तो वही पानी वानी तो चाहे व्यवस्था। सपा के कार्यकाल में कोई गया हो, चाहे बीजेपी के कार्यकाल में कोई गया हो, चाहे 69 हजार भर्ती वाला हो, चाहे 72 हजार भर्ती वाला हो, जो भी गया है अखबार उठा के देख लीजिए, पुराने फोटो पुराने वीडियो देख लीजिए, क्या मिला है? लाठी। हाँ वही और क्या, पानी तो छोड़िए, आपको जो नेता बुलाते हैं वो हाल चाल तो पूछना छोड़िए, पानी तो छोड़िए, पुलिस वाले सिर्फ लाठी देते हैं। तो हम तो हमेशा कहते हैं भैया, धरना वरना से कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं और हम आप भी तो गए चल हैं देखे रहे हैं। हैं भाई, बिना टिकट गए बिना टिकट आए, ज्यादा वही जो है 2-4 जो खर्च हो गया खाने वाने वही खर्च हो गया, बाकी कोई मतलब नहीं रहा। चलिए तो आप बिना टिकट गए, बिना टिकट आए, कम पैसे में जाना आना कर लिए। खैर अब हाँ तो, अब नहीं अगर मान लीजिए आपका बच्चा जो है कभी कोई भर्ती में रहेगा और धरना वरना के लिए कहेगा हम लखनऊ जाएंगे, अपने बच्चे को कहेंगे जाने के लिए लखनऊ? कोई आपका बच्चा कभी इस तरह का कोई मैटर हो और कहे कि हमको धरना देना है, लखनऊ जाएंगे? हमें नहीं लगता है कि अब आप अपने वो बच्चे तो को कभी सलाह देंगे कि धरना से कुछ होता है, जाओ करो धरना। कुछ नहीं होता है, लेकिन यह है कि आदमी जो अपना संतुष्टि के लिए अपना भागता है, अब हर आदमी के आप हर आदमी के अपनी अलग अलग विवेक है, अलग अलग दिमाग काम करता है, हर आदमी के एक जैसे दिमाग तो है नहीं। आप जिस भी दिन लखनऊ गए, आपके जेब से पैसे खर्च हुए। अगर आप लखनऊ न गए होते तो वो पैसे खर्च नहीं होते, और उस पूरे दिन आप जो भी काम धंधा करते होंगे वो काम किए होते, दो पैसा आपके जेब में आता ही। तो उन सबसे कुछ लाभ नहीं होता, धरना वरना से दूर रहिए। ये जो 12091 फलाना ढिकाना है, ये सिर्फ लूट का तरीका है और कुछ नहीं। पुराना कोई मैटर, अच्छा हमारे हमारे भैया पास उस 2004 वाले, 2007 वाले, 2008 वाले फोन करते हैं, वो न जाने कितने धरने किए, कोर्ट कचहरी किए, आज तक उनका कुछ नहीं हुआ। अच्छा पुराने ये जो मैटर में कुछ नहीं होता है कभी। हाँ बोलिए। 29 के पास 29 को जो डेट लगी थी उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं उसमें, वो डेट वेट सब खो गई थी, है अभी जिंदा है। अरे कुछ नहीं होगा, डेट पर डेट ये लोग लगवाते हैं, केस की सुनवाई नहीं होने देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि खारिज हो जाएगा, तो इसीलिए खाली डेट पर डेट लेते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मैटर खारिज हो जाता है, फिर ये लोग लिख देते हैं, अरे कोर्ट बिक गई है, जज बिक गया है, बीजेपी नौकरी नहीं देगी, सपा नौकरी नहीं देगी, ये सब बातें लिख लिख करके बस फिर ये गायब हो जाते हैं। तो क्या ये डेमो इंटरव्यू में डाल के बाहर होंगे? आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आपने डिग्री पूरा ले रखा है, आप टेट पास हैं, तो आप पहले ये देखिए ना कि उन लोगों की तुलना में जिन्होंने बीएड बीटीसी नहीं किया है, आप उनसे आगे हैं। जिन लोगों ने टेट पास नहीं किया है, आप उनसे आगे हैं। ठीक, हाँ अब सिर्फ एक इंटरव्यू डेमो है, तो हाँ जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं उन सबको नियुक्ति देने के लिए ही टेट को जिंदा किया गया, आजीवन किया गया। तो सरकार की योजना है पुराने लोगों को नियुक्ति दे करके पुराने मैटर, जो भी कहीं कोर्ट कचहरी कर रहा है, परेशान है, वो सब खत्म करना, तो नियुक्ति तो मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली कल क्या होगा, कैसे होगा, कौन जानता है? नहीं ये इसलिए है ना, मान लीजिए इतना रख रहे हैं तो शायद कुछ को बाहर करें, अब ये है कि हम इसने इतने करेंगे तो इतने के बाहर करना है, तो कोई ना तो कोई अगर वो मान लेते हैं कि बाहर करते हैं, तो उस पर फोकस करेंगे कि पढ़ाई पर फोकस करेंगे? अरे आपको जैसे सुपर टेट तो देना नहीं है, नहीं जैसे इंटरव्यू डेमो इंटरव्यू फेस करना है, तो इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर इंटरव्यू लीजिए ना। अब इंटरव्यू में मान लीजिए उनको ये है कि हमको इतने लेना है इतने बाहर करना है, तो अब उनमें कुछ ना कुछ तो बाहर होंगे भाई, हम हैं तो क्या हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा 11 वाला नहीं होगा क्या?
ये बताइए कितने प्राइमरी स्कूल हैं यूपी के अंदर? ये जानकारी तो भैया हमको नहीं कितने इसीलिए इसीलिए आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए आप नेगेटिव हो रहे हैं। जब जानकारी रखेंगे, आपके हैं। गांव में, आपके शहर में कोई वकील होगा, देखिएगा वो बिना हेलमेट के पुलिस वालों के सामने से बिंदास जाता होगा, उसको डर नहीं लगता होगा। क्यों? नियम तो है सबके लिए, उसके लिए नहीं है क्या? लेकिन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तो पुलिस वाला उसको नहीं टोकता है, वकील को। क्यों? क्योंकि तो जानता है कि इससे कौन पंगा लेने जाएगा, साला नियम कानून खुद ही जानता है, इतना हमको उल्टा फंसा देगा। तो इस बात से क्या सीखे आप कि जितनी ज्यादा जानकारी रहेगी, फालतू चीजों में आप उलझेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, डर नहीं लगेगा, आप बिंदास अपना काम करेंगे। तो 1,57,000 प्राइमरी स्कूल हैं और हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत एक स्कूल में 5 शिक्षक होंगे, तो करीब करीब 8 लाख पद हुए। अभी वर्तमान में 2 लाख से कम शिक्षक कार्यरत हैं, तो रिक्त पद कितने हो गए? 6 लाख के आसपास हुए कि नहीं? ये सारे पद हाँ भरने हैं और एक एक साल ईयर वाइज लेना है। तो पहले चरण में हम लगातार बताते आ रहे हैं, 3 लाख लोगों को लेने की योजना है, 11 से 18 तक वालों को। आप कहाँ रहते हैं इस समय? आपका गांव शहर कहाँ है, कौन कौशाम्बी सा? है। कौसाम्बी। अच्छा, कौसाम्बी। आप नौकरी मिलेगी तो कौसाम्बी लेना चाहेंगे या सिद्धार्थनगर, लखीमपुर, सहारनपुर, गाजीपुर, भाई बलिया, कहाँ भाई लेना चाहेंगे? मिलेगी तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे गांव में हो जाए, गांव में होता तो गांव से 2-4 किलोमीटर हो जाए, वो तो अलग की बात है, कहीं मिल तो जाती आपके चाहने से तो नहीं होगा, वो चीज तय होगा आपके मेरिट से। अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में जैसा नंबर आएगा उसके हिसाब से तय होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको परेशानी ना हो, आपके अनुसार सारी चीजें हों, तो आपको आपके हाथ में जो चीज है वो करना पड़ेगा। और आपके हाथ में क्या है? मेरिट बनाना आपके हाथ में है? नहीं नहीं ना, आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना ना। तो हमेशा फोकस उस चीज पे कीजिए जो आपके हाथ में है। जो चीज आपके हाथ में है ये नहीं है, कैसे उस चीज को आप कर लेंगे? तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, इंटरव्यू डेमो की तैयारी करना। जी जान लगा दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सीटेट का फॉर्म भरे हैं कि नहीं? नहीं भरे तो भरना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई शुरू कर भैया दीजिए। इसकी तो भी कोई ना कोई जो है किताब वाला प्रकाशन जो है वाला तो छाप देगा कि ना किताबें, इससे इंटरव्यू डेमो की जो है जैसे उपकार वाले इस तरह जो है जो किताबें छापते हैं वो तो छाप ही देंगे जो है महीने दो महीने। आप हिंदी हिंदी की कोई किताब जानते हैं कि नहीं? हाँ अगर हिंदी पढ़ना हो कोई परीक्षा देने के लिए, तो कोई किताब का नाम बताइए, कौन सी किताब खरीदेंगे? अरे हम तो ज्यादातर भैया हम तो उपकार प्रकाशन की किताबें खरीदते थे, कौन सा प्रकाशन? उपकार उपकार तो उपकार प्रकाशन का हिंदी लेकर पढ़ जाइए या लूसेंट का लेकर के पढ़ जाइए। अंग्रेजी पूछा जा सकता है, तो अंग्रेजी के मेरे कहने लिए का ऐसे मतलब ही। ये है कि जो अब ये सिलेबस आएगा भाई ये तो नया है एकदम जो है इंटरव्यू देने वाले तो कभी हुआ नहीं, तो अब इसका जो है किताबें भी तो क्यों छपेंगे नहीं खाते हुआ है? हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय का ये पिछला महीना नवंबर में इंटरव्यू डेमो हुआ है, वही सिलेबस रहेगा जो सुपर टेट हुआ है यूपी में। तो आपको जो नहीं पता है उधर मत जाइए, जो पता है उसी को कर डालिए। सुपर टेट तो हुआ है ना 69,000 में, उसी का सिलेबस लेकर पढ़ जाइए। तो जैसे अभी जो बता रहे हैं आपकी सुपर टेट हुआ है उनका, तो उसमें बाहर भी लड़के हुए हैं कि सबका हो गया? आप सारी चीजों को खिचड़ी क्यों पका रहे हैं, एक साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं? नहीं आपको हम सिलेबस के बारे में आपने पूछा कि क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सुपर टेट का नाम लिया जा रहा है, तो अब आप सुपर टेट में घुसने लगे। अगर ऐसे करेंगे, सारी चीजों को मिक्स करेंगे, खिचड़ी पकाएंगे, तब तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? फोकस कीजिए बस, जो है पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। इंटरव्यू डेमो होगा तो देना ही पड़ेगा, नहीं होता है तब तो अच्छी बात है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। अगर नौकरी लेना है तो भाई पढ़ाई तो करना पड़ेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में आने का मतलब ही नहीं है कोई।
ये शिक्षा क्षेत्र ऐसा है कि पढ़ना ही पड़ेगा हमेशा। ये जनवरी वनवरी में कुछ ना कुछ जो है आ जाएगा। 100% जनवरी बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, पुरानी भर्तियां जो रुकी हैं वो शुरू हो जाएंगी, टीजीटी पीजीटी सुपर टेट भी आना है वो भी आएगा, बहुत कुछ होगा। तो बस ये दिसंबर का महीना, इसके बाद जनवरी से तो सारी चीजें होती दिखेंगी सामने। हाँ तो जो बिल विल पास होंगे वो तो यह 23 के पहले ही पता लग जाएगा कि ये पास हुआ आज जो है। जो कुछ भी है दिसंबर जनवरी में सब आ जाएगा सामने। आप अखबार तो पढ़िए, अभी से आने लगा है सामने, हर चीज न्यूज आ रही है। आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, आप न्यूज टीवी पर नहीं देख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? अरे भैया देखिए, मैं ये सोच रहा था कि अब 12-13 साल हो गए, डेट ऑफ बर्थ भी जो है 77 है, तो कुल मिला के ये है कि अब ज्यादा रुचि भी नहीं बची थी कि अब जो है अगर मिलेगा भी तो 2-4 साल मिलेगी नौकरी है, क्या मिलेगी। ये तो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो गई ना। हाँ वही तो हम ज्यादा फिर उसमें जो है इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, बस ये हमेशा सोचे थे। जीवन जीवन में हमेशा याद रखिए, वो काम करना चाहिए जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, वो काम आप करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं या जो कोई बता दिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर उस तरफ भागेंगे तो आप ज्यादा समय उसमें नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमेशा जीवन में वो काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें मन लगेगा, उसमें बहुत आगे जाएंगे। 3-4 दिन पहले पेपर पढ़े थे तो उसमें जो है निकला था कि 69,000 भर्ती में जो है मेरिट घटा के नए सिरे से भर्ती फिर शुरू की जाएगी, अमर उजाला में निकला था अभी 2-3 दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, सब फालतू बातें हैं अमर उजाला छापा था जो है उसको हम पढ़े थे भाई उनहत्तर साहब। हजार आज आज जो है अपने फोटो अपना दे करके अपने घर के किसी सदस्य को कहिए कि ले जाओ ये अखबार वाले को दे दो और छपवा दो कि इनकी मृत्यु हो गई है, फला तारीख को 13वीं है। उसको देंगे अखबार वाले को 1,000 2,000 5,000, वो कल न छाप दे तो कहिएगा, क्या उसके छाप देने से आपकी मृत्यु हो गई? उसको छाप दे, उसको कौन सी दिक्कत है छापते में। तो हाँ उनको तो छापना है, अखबार में साफ साफ लिखा होता है कि वो किसी भी न्यूज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। वो हर प्रतिदिन अखबार में ये लिखा होता है एक कोने में, आप पढ़िएगा, वो साफ साफ कहते हैं कि भैया हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीजें छोड़िए, जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो नया आयोग बनने जा रहा है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, अब एनसीटी जो है खत्म होने जा रहा है, ये नया आयोग जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड करेगा, बीएड ही रहेगा, और यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग बनने जा रहा है, वो फरवरी जनवरी में काम शुरू कर देगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई के बिना उम्मीद मत कीजिए कि जो है ऐसे ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बिहार में देख रहे हैं ना कैसे हुआ है। हाँ बिहार, हाँ पेपर में तुम थोड़ा सा पढ़े वढ़े थे कि जो अभी, अच्छा जी बिहार में तुम नियुक्त पद बढ़ गए थे ना एक बार अभी महीने 15 दिन पहले, हाँ तो बढ़ गए थे तो क्या हुआ? अभी इसके बाद हमको जानकारी नहीं, पेपर में पढ़े थे कि आज जो है नियुक्त पद बटेंगे जो है, ये थोड़ा पढ़े थे बाकी ज्यादा यही खाना तो था दिक्कत है पढ़ा। ना, आप पूरा नहीं पढ़ते हैं ना, कौन सी भर्ती की कब बात हो रही है, किसकी बात कब हो रही है, आप जब पढ़ेंगे नहीं, बस खाली पढ़ लिए, हाँ सुने हैं ऐसा हो रहा है। अरे पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, पूरा डिटेल में पढ़िए, विज्ञापन नंबर लिखा होता है, कौन से लेवल का वो भर्ती हो रहा है वो लिखा होता है, आप उसके साथ बात कीजिए ना, कौन सा विज्ञापन नंबर क्या था उस पे लिखा। मैं विज्ञापन नंबर में प्राइमरी की भर्ती थी जो है, प्राइमरी वाले की जो कि बीएड आप वालों को पढ़े भी नहीं हैं नौकरी। ध्यान से, आप बस ऐसे ही बस जो है चलते हुए पढ़ लिए हल्का फुल्का देख लिए बस। उसमें पढ़े थे कि बीएड वालों को भी शामिल करके नियुक्त पत्र उनको भी बांटेगा जो है विज्ञापन आप। नंबर पढ़ा कीजिए, किस पद के लिए हो रहा है, ये विज्ञापन कब आया था, क्या हुआ, पूरा कहानी पढ़ा कीजिए, तब समझ में आएगा। ऐसे हवा में बात मत कीजिए, पूरा अगर आपको पता हो तो बात कीजिए। नहीं पूरा हमको नहीं पता है, हम ज्यादा नहीं पढ़े तो पेपर में आज के पढ़े बाद थे। अगर पूरा नहीं पता रहेगा कोई भी चीज तो भूल जाइए सरकारी नौकरी, इतने साल जैसे निकल गए वैसे कुछ और साल निकल जाएंगे, उम्मीद मत कीजिए। क्या तो पढ़िए, तुम दिल दिमाग कलेजा फेफड़ा सब लगा कर पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए इस चीज को, जिसमें मन लगता हो वो कीजिए, बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है, कह रहे हैं जिस चीज में मन लगता है वो काम कीजिए, जिसमें मन नहीं लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं उसी में वो बहुत आगे निकल गए और बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं,
कोई जरूरी थोड़े है कि हर कोई मास्टर जी ही बने। अच्छा भाई, ये थोड़ा सा आप हमको ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव है ये कब तक संभव है, कब तक हो जाएंगे? भाई कोई भी चीज जो भविष्य में है तो एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता ना कि कब होगा। 2024 में होना है, हाँ अब कौन से महीने में होगा, होगा नहीं होगा, ये तो जब समय आएगा तब पता चलेगा ना। लेकिन नहीं, वो तो लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अप्रैल मई में ना होके शायद नवंबर दिसंबर में जाएगा चुनाव, क्यों? नवंबर दिसंबर तक। अप्रैल मई में लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा लोकसभा, लेकिन हमको नहीं लगता कि अब तक जो है हर 5 वर्ष पर अप्रैल मई के आसपास होता आया है, तो हर कोई वही बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या आधार है कहने का कि जो है नवंबर दिसंबर में? कोई आधार है, कोई कारण है, कोई तर्क है? कारण ये है कि सरकार का पावर होता है कि 6 महीने पहले और 6 महीने बाद चुनाव करा सकती है। तो चुनाव मेरे हिसाब से शायद नवंबर दिसंबर में जाएगा भाई, तो इतना तो सरकार के पावर। पास पावर है तो उसमें कोई कोई कारण दिखाना होगा ना, क्यों टाल रहे हैं? तो नहीं आपके तो कारण आधार पर क्या कारण होगा? भाई, कारण वो तो सरकार के पास तो इतने निकल आएंगे कि वो चाहें तो हजारों कारण निकाल देंगे, एक दो की बात। चलिए, आप जो है अपनी ही बात के लिए कोई तर्क कोई लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये बताइए इस चुनाव से क्या लेना देना है कि कब चुनाव से होगा? लेना देना ये है कि कुछ अभी ज्यादा कुछ काम नहीं किए हैं, अगर फरवरी वरवरी मार्च वार्च में स्टार्ट करते हैं तो 2-4 महीने लग जाएगा, और कुल मिला के अगर अप्रैल मई में चुनाव है तो ऐसा थोड़े करेंगे कि कुछ काम न करके जो है चुनाव करवा देंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही। अच्छा आपके अनुसार कुछ काम करना क्या कहलाता है? कौन सा काम अरे करेंगे तो काम करना कहलाएगा? जैसे आप बता जैसे बता रहे हैं कि इतना होना है, पर तो महीने 2 महीने तो भारतीय लग ही जाएगा कि नहीं लग जाएगा तो इतने ये बड़े। प्रक्रिया, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, ये तो सरकारी कामकाज का तरीका है। ये आज से 50-100 साल पहले भी होता रहा है, आज से 100-200 साल बाद भी होता रहेगा। तो इससे क्या लेना देना है? आप बेतुके चीजों में क्यों उलझ रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, ना आप तर्क रख पा रहे हैं ना कुछ भी। पॉलिटिक्स में अभी थोड़ी देर पहले आप कहे हमें नहीं समझ में आता है, हम इंटरेस्ट नहीं है रखते हैं। फिर जब पॉलिटिक्स में समझ नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, फिर क्यों पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं? आप कोई कारण भी नहीं दे पा रहे हैं। तो नहीं, कारण का मतलब भैया ये है कि जैसे आप बताए कि जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे मतलब फरवरी स्टार्ट हो जाएगा तो मार्च अप्रैल 2 महीने तो लग ही जाएंगे, तो क्या मतलब चुनाव आप मत तो ये लगाइए, लगे। अपने बुद्धि पर इतना प्रेशर मत दीजिए, आप इन चीजों में मत घुसिए, छोड़िए इन चीजों को। वो आप जो है बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए जो कर सकते हैं, या जो काम धंधा कर रहे हैं दिमाग उस पर लगाइए। जितनी जानकारी आपको चाहिए थी आपने जो पूछा हमने बता दिया, अब इससे ज़्यादा जो है जानने की कोशिश मत कीजिए कि क्यों जो है मार्च अप्रैल में होगा या मार्च अप्रैल में ना होकर के नवंबर दिसंबर में होगा, कब होगा क्या होगा, छोड़िए इन चीज़ों को। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। नमस्कार।